एक मिनट, उस पर बात करते, लेकिन थोड़ा और कुछ अगर किसी ने बोलना हो ना तो उसके बाद फिर बात करेंगे। दुर्रहमान कैसे हैं आप? सर, अलहमदुल्ला ठीक ठाक। आप सुनाए? ठीक ठाक है। अलहमदुल्ला वालेकुम सलाम। आपने बैकग्राउंड बड़ा शानदार किया हुआ है ना, बड़ा बेहतरीन आपने बनाया माशाल्लाह से। अच्छा जी, हाँ किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर बात करते हैं इंशाल्लाह। जी सर, मैं क्या बल्कि हाल है सर? करम रब का अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने पिछले साल आपसे ना ट्रेनिंग ली थी, तो प्रिपले पे मेरा अकाउंट है, तो वहाँ पे मैं तकरीबन मैंने पूरे साल में 15-16 डॉलर कमाए हैं, लेकिन अब तक कोई आ नहीं रहा स्टूडेंट। देखो देखो, टेक्निक समझे ना, आप ट्रिपल पे प्रोफाइल बनाते हो तो आप जाए स्टेटिस्टिक पे देख के आपका प्रोफाइल स्कोर कितना है, ठीक है? प्रोफाइल स्कोर 81 कितना है? अब कम है ना ये, 91 अब 81 है, मतलब ये कि आपका 19 स्कोर कम है, तो आपको नहीं, अभी एट 19 91 है, 91। कम है, 9 फिर भी कम है ना। हाँ जी, अच्छा अगला, मेरा अगला सवाल, क्या आपकी वीडियो पे व्यूज आते हैं? नहीं वीडियो पे व्यूज नहीं आते। हाँ यही तो मसला है ना, जब आपकी वीडियोस पे व्यूज आना शुरू हो जाएंगे, आपके उन व्यूज से वो व्यूज कन्वर्ट हो जाएंगे आपके स्टूडेंट में। लेट सपोज अगर 50 व्यूज आते हैं तो उसमें एक या दो बंदा, चार पांच मैसेज कर लेगा, एक दोस्त में स्टूडेंट बन जाएगा। लेकिन अब ये सवाल है कि व्यूज क्यों नहीं आते। एक तो अपना प्रोफाइल स्कोर बेहतर कर, 91 से इसको 100 पे आप ले अच्छा जा सकते हो। दूसरी, वीडियो थोड़ी बेहतर कर ले तो, ताकि जो है ना उस पे बंदे जो है ना वो, अगर व्यूज नहीं आ रहे तो इसकी वजह ये है कि जब किसी बंद, देखो प्रिपले वालों ने तो वो बंद किया हुआ है ना, अब नए बंदों को आप अप्रोच नहीं कर सकते, वो खुद आपको सजेस्ट करेंगे, यानी कि वो खुद आपको एडवर्टाइज करेंगे। तो अब वाहिद जरिए आपके साथ यही है कि आप अपनी वीडियो को बेहतर बनाए, अवेलेबिलिटी को बेहतर कर ले, ताकि आपकी वीडियो, आपके जो प्रोफाइल है वो व्यूज में आना। जब उस पर व्यूज आना शुरू हो जाएंगे तो ये सेकेंडरी, यानी कि पहला काम ये कि आपके व्यूज आना शुरू हो जाए। अगला मरहला ये होगा कि फिर वो व्यूज कन्वर्ट होंगे आपके स्टूडेंट में। अच्छा सर, ये पूछना था कि प्रिपले पे व्यूज आते हैं, मतलब जो अच्छे टीचर हैं उनके उनकी वीडियो पे व्यूज आते हैं तब उनके स्टूडेंट बनते हैं। तो स्टूडेंट तो बन, देखो आप पाकिस्तान में आप स्टूडेंट को प्रपोजल नहीं भेज सकते प्रिपले के अंदर, तो यही एक तरीका है कि प्रिपले एडवर्टाइज करेगा, जब व्यूज आएंगे तब ही स्टूडेंट को पता चलेगा कि यहाँ पे एक बंदा है नईम इरफान के नाम से, जिसको पिछले साल कुछ हर का मसला भी हुआ था, तो तब जाके जो है ना वो आपको आप सेशन बुक करेंगे। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया, आपको याद है, बहुत याद है आपको। आमीन चलिए, अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको सेहत दे, ठीक है? आमीन, बड़ी बात है, आपने मुझे याद रखा हुआ है। जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा आज जी मुझे याकूब साहब। जी 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 अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, चलें कैसे जी, हैं आप? अल्लाह का करम है सर। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने चलें सेशन दोबारा रखा, और एक मुलाकात का बहाना भी हो गया, कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। और बाकी आप भी दुआओं से प्रेपरी पे बड़ा अच्छा जा रहा है, हालांकि बड़ा थोड़ा कितने सा सेशन हो टाइम चुके मैं हैं उसको देता आपके? हूँ। सेशंस तो मैंने भी नहीं काउंट किए, पर $100 तक पहुंच गया है, यानी जो अर्निंग है ना वो तकरीबन 1.5-1 महीने में। नहीं तो देखो, शुरू में अपना रेट कम रखे, लेकिन आपको बड़े जी एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है आपके जी इंग्लिश का और ये इन चीजों का, तो अब थोड़ा रेट ग्रेजुअली अपने रेट को इंक्रीज कर ले। देखो मैं पश्तो पढ़ाता हूँ और मैं $13.5 लेता हूँ, बल्कि $14 लेता हूँ पर आवर जी। अब जब मिसाल के तौर पर ये अब्दुलरहमान को मैं जानता हूँ कि ये बिजी होते हैं, ठीक है, इनका यूनिवर्सिटी में भी और इन चीजों का, तो अब इनके पास टाइम कम है, तो अब दो तरीके हैं, यानी कि खुद को अपने टाइमिंग को यूटिलाइज करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यही है कि आप $5 कमाते हो, 5 पे ही इसको टाइम आप ज्यादा करते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप कर ले $20। लेट सपोज आप समझते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप अपने टाइमिंग को कर लो $20 पर आवर, ठीक है, ठीक हो अब, गया। या $25 कर ले, ठीक है। अब अगर कोई बंदा आएगा तो आपका इतना रेट होगा, और अगर कोई 25 पे भी आता है तो फिर आप उसके लिए टाइम निकाल ही सकते हैं ना, $25 के लिए तो बंदा हाँ कर जी, निकाल सकता है ना। बिल्कुल निकाल सकते इसी हाँ तरह। तो हाँ तो अच्छा, ये है कि वो अपना बजाय ये कि अपनी अवेलेबिलिटी कम करे, अपनी अवेलेबिलिटी पे न चढ़े, डॉलर रेट बढ़ाए, रेट बढ़ाए। और जिस तरह ग्रुप में पिछले दिन वो अबरार एक साथी हमारे यूके में पढ़ने गया, यूके जब वो यहाँ था तो कोर्स लिया था, तो वो यहाँ था फिर वो यूके चला गया, अभी वहां पे पढ़ता है, उसने यही बात की थी। पाकिस्तानी बड़े कम चार्ज करते हैं, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि इसी तरह सर। मैं सबसे हाई चार्ज करता हूँ पश्तो ट्यूटर या उर्दू ट्यूटर में, सबसे ज्यादा मैं $14-15 पर आवर में चार्ज करता हूँ, तो पश्तो में तो सबसे हाई में चार्ज करता हूँ। तो ये है कि
कम सेशन हो। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं महीने में 30-35 सेशन ले लूँ तो $300 बन जाते हैं। अब अगर मैं $5 करूंगा तो फिर मुझे $60 सेशन लेने पड़ेंगे, तो वो डबल हो जाएगा। और मेरे पास उतना टाइम नहीं है, सेशन कम हो लेकिन उससे सही आउटपुट सही, बेहतर होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, यही मैंने आपसे पूछना था कि अभी वैसे फिलहाल तो मेरा ना $3 पे ही चल रहा है, तो अभी ये कितने सेशंस हो जाएं तो उसके बाद हमें इंक्रीज करना चाहिए नहीं अपना रेट कर या? ले, देखो अब इसमें ये है कि आपके पास ये है कि कुछ ना कुछ आपको वहां से आना शुरू हो गया, दो तीन स्टूडेंट भी है ना तो रेगुलर उससे अर्निंग स्टार्ट हो गई है। अभी आप चार पे जी जाए, पांच पे जाए, ग्रेजुअली इसको बढ़ाते जाए। अब जो ट्रिपल में तो अच्छी बात ये है कि जो तीन पे है वो तीन पे रहेंगे, या बुरी बात कह ले या अच्छी बात कह ले, लेकिन हाँ जी, हाँ अब जी, दीगर वेबसाइट में ये है कि अगर आप अपना रेट चेंज करते हो तो फिर वो तमाम के चेंज हो जाता है ना, तो फिर वो नाराज भी हो जाते हैं कि एक बंदा जो है ना वो अगर आप चाय का कप पीते हो सुबह जाके दुकान में ₹20 का, और फिर अगले दिन जाते हो कहते हो नहीं मैं तो 50 का दूंगा, तो कहते ये क्या बात है, कल तो मैंने आपसे 20 की ली थी। तो मसला सही ये है बात कि हाँ ट्रिपले में तो ये सहूलत है कि आप न्यू के लिए जो है ना अपना रेट बढ़ा दे, पुरानों के लिए जो पुराना रहे। हाँ ठीक हो गया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो सर मैं दो चीजें मैंने डिस्कस करनी है। एक तो अभी आपने मेरा जिक्र किया था, तो मैंने वाकई ऐसे किया था, मेरे पास पहले टाइम नहीं था तो मैंने अपना डॉलर डॉलर जो पर आवर रेट $20 कर दिया था। अच्छा उसके बाद ही मुझे स्टूडेंट्स आते रहे, बड़ा अच्छा चलता रहा, तो मैं जैसे कैसे टाइम निकाल के जैसे आपकी बात के $20 पे, किसको नहीं अच्छा लगता कि वो पढ़ाए, तो मैं पढ़ाता रह गया। अच्छा उसके बाद अब मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा है लेकिन अब स्टूडेंट नहीं है, तो अब मैंने अपना रेट वापस 12 बिल्कुल कर दिया है लेकिन अभी भी स्टूडेंट नहीं बिल्कुल, है। तो मैं एक तो ये पूछ रहा हूँ कि क्या आजकल कुछ ऐसा है कि स्टूडेंट आजकल हाँ कुछ छुट्टियां कहीं चल रही है, कुछ इस तरह का मैं ये चाह रहा हूँ जो एक्सपीरियंस से पूछना चाह रहा था, इस तरह कुछ है कि नहीं आ रहे स्टूडेंट्स? मैं ऐसा ही है, ये जो दिसंबर जनवरी फरवरी ये जो महीने होते हैं ना, तो इनमें वो बहुत ज्यादा खर्च कर लेते हैं। मिसाल क्रिसमस भी आ जाता है, न्यू ईयर भी आ जाता है, तो कम होता है एज कंपेयर टू अदर महीनों के, कम हो जाता है। अब उसमें कामयाब बंदा वो होता है जो कि रिट्रेन रखता है स्टूडेंट को, जिसके पास पुराने स्टूडेंट हो गए। मिसाल के तौर पर मेरे साथ इस महीने में सिर्फ दो स्टूडेंट नए न्यू आए हैं, लेकिन पुराने मेरे पास ये आठ है, तो अब उनसे काम चल जाता है। अब भले वो कम पे करे, लेकिन ऐसे बंदे हो जो रेगुलर पे करने वाले हो, भले वो कम पे करे, वो आठ पे पढ़े, वो 10 पे पढ़े, लेकिन वो रेगुलर। इसका फायदा क्या होता है, आपकी जॉब हो रही है आपका, तो ये एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रहा है साथ साथ। ऐसे ही है। अच्छा हाँ दूसरा सर, मेरी प्रोफाइल परसेंटेज 95% है, मैंने हर ट्राई किया मतलब हर तरीके से कंप्लीट करने की प्रोफाइल की, लेकिन अभी भी 95% है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि क्या टीचिंग सर्टिफिकेट तुझे मेरे पास नहीं है, उस वजह से तो नहीं ये 5% का मैं नहीं बात नहीं चल नहीं नहीं या नहीं नहीं तस्वीर, डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन और वीडियो, ये चार फैक्टर्स है आपके प्रोफाइल्स में। वो तो कंप्लीट। अच्छा मैं आपको भेज दूंगा, मेरा एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मैं 95% मुझे ऊपर नहीं देख ले, मांगता। और उसका फिर एक और भी तरीका है, आप गूगल पे जाए ना, फ्लिपले पे जाए, उनको मैसेज भेजे कि मेरे प्रोफाइल स्कोर 95 क्यों है, मैं अच्छा अच्छा मतलब सही कमी क्या है। अब अगर वो रिप्लाई ना सही करे फिर सही भेज दे, फिर भेज दे चलो जीमेल ठीक पे। ठीक हो ठीक हाँ, हो ओके ये ओके अंदलीप या कोई 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 सवाल पूछ रहे हैं, माइक ऑन करके पूछ लेना। बिल्कुल, आप माइक ऑन करके जो भी पूछना है पूछ लें। जी अंजब, ये नाम बहुत मुश्किल है, तो अंजबीन हाशमी है, तो काइंडली माइक ऑन करके पूछ ले। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर मैं वरहमतुल्लाह। अंगबीन हाशमी। सर ये अभी जो रिसेंटली बैच था उसमें मैं आपके आपके साथ इनरोल थी, तो सर आपने जो बताया काफी इंफॉर्मेटिव था और उसके अकॉर्डिंग सर काम किया, और ट्रिपले पे सर मेरी वो बन गई, प्रोफाइल हो गई, और उसमें एक स्टूडेंट था लेकिन उसने बस ये वो उसका था कि कहीं जूम पे आप मेरे से आप जो है वो ज्वाइन कर लें और फिर आप जो है मैं आपको अपने जो है वो गोल्स बता दूं ये वो, लेकिन मैंने सर उसको मना कर दिया था स्टूडेंट को। उसने फिर दोबारा भी मुझे कांटेक्ट किया था, मैंने फिर उसको मना कर दिया उसके बाद नहीं उसका, लेकिन सर उसके बाद से तो कोई स्टूडेंट ही नहीं आया, और मतलब मैं डेली देखती हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, तो सर प्लीज मुझे देखो गाइड करें यार, कि क्या देखो करना चाहिए। पहली पहली बात ये कि आप जाए अपने प्रोफाइल स्कोर देखिए, प्रोफाइल स्कोर कितना है, ठीक है? तो सर ऑलमोस्ट अगर 85 अबव है मेरा। हाँ, ये सब हो जाता है, ठीक है, ये सब हो जाता है, ये प्रोफाइल स्कोर सब हो जाता है, आप इसको कोशिश कर ले 100 पे लेके जाए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब टाइम मिलता है फ्री हो तो लॉगिन किया कर, लैपटॉप को छोड़ छोड़ के लॉगिन रखिए उसको ना, तो इससे जी थोड़ी अवेलेबिलिटी बेहतर हो जाती है। तीसरी बात ये है कि आप वेट करें, सही है, जी ठीक है आप देखें कि आपकी वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और अगर कोई आपको लगता है कि बंदा स्कैमर है या जो आपको हल्का सा भी शुबा होता है, तो आप ग्रुप आपका होगा उसमें मैसेज कर ले, या हमारा जो उसमें मैसेज कर ले, या मुझे जी पर्सनल कर दे, मसला नहीं है, तो मैं कर जी दूंगा। तो देखो, जो पढ़ने वाला होता है ना, सिंपल सी बात है, पहले तो आप देखें ना, अगर कोई आपको आपको हल्का सा शुबा होता है तो ये देख ले कि ये बंदा पाकिस्तानी या इंडियन तो नहीं है, या एशियन तो नहीं है।
अगर है तो आप उस पर ज्यादा फोकस ना कर ले। दूसरी बात, बायर का भी हो तो आप फिर सिंपली उसे कह दे कि आप सेशन बुक करेंगे प्रिप्ले पे। अब प्रिप्ले अलाउ करता है कि आप स्काइप या जूम पे सेशन लो, लेकिन जी आपने पहला सेशन हर हाल में प्रिप्ले पे उनसे बुकिंग करवानी है। अगर वो प्रिप्ले पे बुकिंग करवा देता है, इसमें 50% से ज्यादा चांस दे कि वो बंदा फेक नहीं होगा, क्योंकि जो लोग होते हैं फेक वो उसे चस्के लेने के लिए आ जाते हैं, तो उनके वो सेशन बुक नहीं करते। अगर वो सेशन बुक करता है तो इस बात की दलील है कि वो जो है ना पढ़ने के मूड में है। पिछले दिनों मुझे एक बंदा आईटाकी पे मिला, पाकिस्तान का था, तो बहुत उसने किया, मैंने सेशन बुक किया था, आपने सेशन नहीं लिया। मैंने कहा देखो मेरे 3-4 साल हो गए इस वेबसाइट पे, मुझे पता है अगर सेशन बुक होता है तो मुझे नोटिफिकेशन आता है, मुझे जीमेल पे मैसेज आ जाता है, कुछ नहीं आया। नहीं, उसने कहा मैंने बुक किया था और आपका टाइम गुजर गया, आप मुझे एक्स्ट्रा सेशन लो। मैंने कहा चले कोई आप स्क्रीनशॉट भेज दे, आपके पास कुछ प्रूफ हो। तो फिर बात में उसने मुझे कहा कि नहीं आईटाकी वाले ने मुझे मुफ्त का सेशन दिया था। मैंने कहा चले आप वैसे जो है ना आप मान नहीं रहते हैं, आईटाकी की पॉलिसी है कि वो किसी को नहीं पे करती फ्री में, तो आपको क्यों देगी फ्री। तो वो तंग करने वाले होते हैं ना, सिंपल जी वो सर, जो है ना वो वेस्ट दे वांट टू वेस्ट योर टाइम। सो आप उन्हें हाँ कहो कि सर, देखो मैं बाउंड हूं, अगर मैं जूम पे आऊंगा, उसको ये ना कहो कि नहीं मैं नहीं आ, उसको ये कहो कि अगर मैं जूम पे आऊंगा या आऊंगी तो जी वेबसाइट मुझे मेरे प्रोफाइल को बंद कर देगा, बैन कर देगा, तो मैं मजबूर हूं कि मैं वेबसाइट पे ही सेशन लूंगा। अगर आप नहीं ले सकते आपकी मर्जी, लेकिन मैं तो मजबूर हूं, मेरे लिए तो वेबसाइट जो है ना उन्होंने रूल रखे, तो मैंने उन रूल को फॉलो करना है। जी तो सर, फिर अभी वेट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स के लिए, आप ये कह रहे हैं। वेट करना पड़ेगा, और इसका वेट के साथ साथ आपका प्रिप्ले पे प्रोफाइल है तो और भी तो बहुत सारे वेबसाइट्स मैंने बताए थे, उस पर काम करो। जी सर, साथ साथ कर रही हूँ मैं इंशाल्लाह। ठीक हाँ देखो है याद सर, थैंक रखिए, यू। शुरू में आप इसको एज अ फुल टाइम बिल्कुल लग, ये बिल्कुल आपका यानी कि साइड वो है, आप इस पे कर ले 3 महीनों तक, बंदा ना है 4 महीनों तक, लेकिन आपने इसके लिए बैठना तो नहीं है ना, आप और काम करें साथ, इसमें आएंगे आएंगे, ये यकीन है कि आएंगे। अगर आपका प्रोफाइल जी अच्छा हो, जी आप प्रोफेशनल हो, तो आपके पास बंदे आएंगे, बड़ी दुनिया में कोई ना कोई आएगा। लेकिन जी इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन आपने इसको सीरियस लेना है, मतलब ये कि ये नहीं कि आप, मैंने जो ये देखा है ना, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं सिंपल सा एक, मुझे मैं खुद बड़ा इन चीजों पे वो नहीं करता कि बताता नहीं रहता हूँ इन चीजों के बारे में, लेकिन मैंने जब ऑनलाइन स्टार्ट किया 2018 में, तो मैंने एक दोस्त से कहा, मैं उस वक्त ऑनलाइन कुरान पढ़ाता था, 2,000 रुपये पर महीने के आधे घंटे के वो दे देते थे। तो मैंने एक दोस्त से कहा कि यार मैं देखो वेबसाइट्स पे जाऊंगा ना, और आप देखना मैं डॉलर में चार्ज करूंगा, और मैं 10-10, 20-20 डॉलर लूंगा लोगों से एक एक घंटे के। तो उसने मुझे कहा यार ये देखो अगर इस तरह होता तो ये लोग अकेडमियां बनाते, ये इतने एडवर्टाइजमेंट करते, ये वैसे फजूल सा काम है, उस पर कुछ नहीं है। तो लेकिन वो मैंने कहा नहीं मैंने करना है, आप देख लें इंशाल्लाह मैं करूंगा, और मैंने खरा मैंने किया फिर, और बड़ा अच्छा किया। लेकिन जी ये है कि प्रिप्ले में मुझे पहले 4 महीनों में, मैंने 4 महीने बाद मुझे पहला स्टूडेंट मिला था प्रिप्ले पे, आईटाकी पे 18-19-20 दिन बाद मिला था, प्रिप्ले पे 4 महीनों बाद मिला था, स्कूली पर पूरे 1 साल बाद मिला था। लेकिन ऑप्शंस मैंने रखे थे, दुकान में जो है ना आर्टिकल ज्यादा थे, तो किसी एक आर्टिकल जी का कस्टमर तो आ जाता है ना। सही, ठीक, ठीक है, थैंकफुल। ओके सर, हाँ राशिद वेलकम, आप माइक ऑन करके आप बात कर सकते हैं। राशिद जी अस्सलामुअलैकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अ चांस। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, क्या हाल है सर, ठीक हो आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह करम रब का। सर अगर आप मुझे 2 मिनट दे तो स्टूडेंट्स को जरा मैं बात करूं। बिल्कुल बिल्कुल अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं सर जी का एक अदना सा स्टूडेंट हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने तकरीबन सर हमारी सेशंस की 1 साल कंप्लीट हो गई है, प्रीवियस इसी रमज़ान के बाद मैंने आपसे क्लासेस ली थी, तो इन स्टूडेंट्स को मैं कुछ बताना चाहता हूँ एज अ मोटिवेशन के लिए कि मेरी ये 10 सेशन में 10 मिनट में मेरी कोर क्लास भी है, तो आपने अच्छा किया कि मुझे टाइम दिया 2-3 मिनट। तो इस तरह बात है कि मेरा भी यही ख्याल था ना, आप लोगों के पास तो डिग्री भी है, मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, मुझे हैरत होती है आप लोगों पर जब आप कहते हो कि सर हम कैसे कमाएं या हम कैसे कर सकते हैं या हमसे नहीं हो पा रहा। टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मेरे पास अपना लैपटॉप भी नहीं था, मैंने दोस्त से लिया था, मैंने कहा कि यार आप दो अपना लैपटॉप ज़रा 3-4 महीनों के लिए मुझे, मैं कुछ अकाउंट वगैरह क्रिएट करके, फिर अगर लक लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर जैसे सर ने बताया 4 महीने बाद मुझे एक अपना स्टूडेंट पहला मैंने, मुझे भी 4 महीने 3-4 महीने बाद मिला था, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मुझे पहला स्टूडेंट मिला तो भी आपके कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है, और मैं यही बात आज मैंने एक छोटी सी वीडियो भी ग्रुप में शेयर की, आप देख सकते हो, ना मेरी कोई डिग्री है इंग्लिश में, ना मैंने मास्टर किया है, ना मैंने MS किया, ना बैचलर भी नहीं किया मैंने इंग्लिश में,
और वैसे एक छोटी सी डिग्री की है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी प्रेपली प्रोफाइल पर 1,000 लेसन तकरीबन 4-5 महीनों के अंदर अंदर मैंने कंप्लीट कर दी। कुछ हादसात की वजह से मेरे वो अकाउंट खैर वो चली गई। अभी दूसरी प्रोफाइल है ना दोस्त की है, उस पर मैंने प्रोफाइल बनाया है, 300-400 लेसन मैंने वहाँ भी कंप्लीट हो गया। तो टैलेंट वो होता है ना जब आप हर जगह आप कर सकते हो, टैलेंट नेवर डाई। तो कभी ये ना कहे कि मैं नहीं कर सकता, यू कैन डू एनी थिंग वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। सो दैट्स अ स्मॉल मोटिवेशन फ्रॉम माई साइड कि कभी ये ना कहो कि मैं नहीं कर सकता, एनी थिंग कैन बी पॉसिबल इफ यू वॉन्ट सो। अच्छा, चले अगर राशिद, थैंक भाई यू आप वेरी अपना मच। हादसा बताना चाहें तो वो भी जरा काइंडली शेयर कर दे, ताकि वो गलती हम ना करें जिस तरह से हमारी प्रोफाइल जो है वो खत्म हो जाए, इस तरह कुछ हो तो काइंडली अगर शेयर करना चाहें तो वो भी शेयर कर दे कि ऐसी क्या गलती हुई थी जिस वजह से आपकी प्रोफाइल हाँ जो है खैर है वो ना, वो जो मैंने लेवल के गलती की बाहर है आ वो गई। जो प्रो लेवल की थी। आप वो गलतियां करते नहीं है ना, मैंने नोट नहीं किया कि आप वो करोगी, तो लाइक इसकी बताने की जरूरत ही नहीं है। इट्स लाइक समथिंग बिगेस्ट मिस्टेक, सो इंशाल्लाह आप वो नहीं करोगे। थैंक यू। हाँ देखो, याद रखिए, अच्छा एक और चीज मैं आप लोग को वैसे बताना चाहता हूँ, कभी अगर ऐसा हो ना, कभी कभी ऐसा होता है ना, ये राशिद के हवाले से मैं नहीं बता रहा, वैसे जनरल बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अरसा हो गया है ना, अक्सर ऐसे लोग आ जाते हैं ना, मिसाल के तौर पर मैंने अब्दुलरहमान के साथ सेशन ले लिया, अब्दुलरहमान मुझे कहता है कि देखो मैं आपको मैं आपको पैसे देना चाहता हूँ, लेकिन सेशन के दौरान मुझे कहे, लेकिन अब्दुलरहमान मुझे कहता है कि मैं आपको पैसे जो है ना, अब मैं आपको कैसे कहाँ कहाँ जाऊंगा, यानी मैं कहाँ जाऊंगा उस वहां पे, क्या बोलते हैं, मैं मनीग्राम या रिया या विष्णु पे कहाँ ढूंढूंगा, मैं आपको प्रिपले पे सेशन बुक करता हूँ, मैं सेशन नहीं देता, बस तुम जो है ना, बस पैसे आपको मिल जाएंगे। अब ये जो मसला है ना, ये खतरनाक हो जाता है, बल्कि इसके साथ मैं थोड़ी एक और चीज ऐड करता हूँ। मुझे एक मैसेज आया प्रिपले पर कुछ अर्सा पहले, और मिस्र से कोई वो बंदा था, और उसने मुझे कहा कि मेरे, और आप में से अक्सर लोग के पास ऐसा मैसेज आया हुआ होगा, उन्होंने उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास मेरे मेरा पेपाल बंद हो गया है, अब मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, अब मैं चाहता हूं कि उस पैसे को विड्रॉ कर लूं, तो आप ऐसा करो कि मैं आपके साथ सेशन बुक करूंगा और वो पैसे मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, उसमें आधे तुम रख लो आधे मुझे दे दो, ठीक है। अब मैंने नोटिस किया, मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट भी और बहुत सारे दोस्त भी जो वेबसाइट पे काम करते हैं, 10 बंदों को उसने मैसेज किया था, और 8 बंदों का प्रोफाइल उसने ब्लॉक किया था। वो क्या करता है, मिसाल के तौर पर मैं आता हूं, मैं अब्दुलरहमान के पास भी जाता हूँ, यही करता हूँ, 2 सेशन लेता हूँ वहां पे नहीं जाता, 3 सेशन लेता हूँ नहीं जाता, फिर तैयब के साथ जाता हूँ, फिर जो है ना राशिद के वेबसाइट नोट करता है कि ये बंदा मुख्तलिफ लोग के साथ सेशन बुक कर रहा है और सेशन नहीं ले रहा, तो वेबसाइट को लगता है कि ये बंदा जो है ना फ्रॉड कर रहा है, ये या तो टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, या जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, या कोई ऐसा काम कर रहा है जो लीगल नहीं है। फिर वेबसाइट आपसे पूछते हैं कि चलो मुझे आप ऐसा कर लो कि मुझे प्रूफ दो कि आपने सेशन लिया है, आपके पास प्रूफ कहाँ होगा, आपने सेशन लिया नहीं है ना, आपके पास कहाँ प्रूफ होगा, तो वेबसाइट आपका प्रोफाइल इसे बंद कर सकता है। प्रिप्ले पे जो मुझे मुंह में से जाया था ना कि अब देखो, दिखने में तो ये बड़ी शानदार ऑफर थी, उसने मुझे कहा $500 है, $250 आपको मिल जाएंगे, 200 मुझे दे दो ना, मुझे मैं आपको पॉइंट भेज दूंगा। मैंने कहा देखो आप मेरे साथ सेशन लेंगे, देखो मैंने कहा मैं होनेस्टली आपको बताऊं, मैं आई वॉन्ट टू अर्न मनी, बट अब ये भी मेरे लिए जाए भी नहीं, मैं क्यों आपसे पैसे लूं, अगर आप इतने ही हमदर्द है तो आपको चाहिए कि आप मुझे मनीग्राम पे भेजो, मुझे वेस्टर्न यूनियन पे भेजो, डायरेक्ट बैंक ट्रांजेक्शन कर लो, आप मुझे उस पर क्यों भेजते हो। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती है, यानी कभी तो स्टूडेंट जो है ना अपनी नेकनीयती के जज्बे से आपको पैसे भेजना चाहता है और वो फिर मसला बन जाता है। या मिसाल के तौर पर अब्दुलरहमान ने मेरे साथ सेशन बुक कर लिया 10, उसने मुझे कहा कि मैं आपको $100 देता हूँ, और उसने मेरे साथ 10 सेशन बुक कर लिया, अब वो नहीं आता सेशन, अब उसने प्रिप्ले बंद कर दिया, अब उनका वो प्रिप्ले पे बिल्कुल लॉगिन ही नहीं है, अब प्रिप्ले वालों को शक है कि ये देखो सेशन पैसे बरकी को जा रहे और स्टूडेंट पैसे ले नहीं रहा, वेबसाइट पूछ रहा है ना आपसे कि आपने जू पे सेशन लिया या कहाँ पे लिया, मुझे जरा शो कर लो, आपके पास प्रूफ नहीं है, प्रूफ कहाँ है, वो बंदा तो गायब है, ठीक, एक तरीका। दूसरा जो टीचर देखते, मैं आता हूं, मैं कहता हूँ यार मैं टीचर हूँ, उर्दू पढ़ाता हूँ, और ये दुरहमान भी जो है ना बहुत सेशन ले रहे, चले इसके प्रोफाइल को मैं जो है ना वो करता हूँ, इसके प्रोफाइल को मैं उड़ाता हूँ, तो फिर वो कहते चले मेरे $50-100 चले जाएंगे, लेकिन अब्दुलरहमान का प्रोफाइल उड़ जाएगा, तो ये भी काम करते हैं लोग। तो ऐसे बहुत सारे मिस्टेक, ये तो मैं आपको 2-3 महीने गिनाए, ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स है जो कि होते हैं, जब भी कोई ऐसी, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, जब भी आपको हल्का सा भी थोड़ा उसमें लगे ना कि इसमें कुछ ना कुछ इसमें बातें हैं, तो आप मेरे साथ शेयर कर ले, ग्रुप में नहीं शेयर करना चाहते मेरे साथ शेयर, इसकी वजह मैं ये नहीं कहता कि मुझे बहुत सब कुछ आते, लेकिन इन बहुत सारे चीजों का जो है ना इन 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 से हम गुजरे हैं ना, या दोस्त या जानने वाले या स्टूडेंट, तो पता चल जाता है कुछ ना कुछ कि ये बंदा क्या है, सच है झूठ है फेक है क्या है, तो
ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिस पर आप क्या करते हैं, फिर आप रिक्वेस्ट करते हैं, आई तरफ का प्रोफाइल चला जाता है, आई बहुत सारे मसले आ सकते हैं। मैं को राशिद की बात, तो ये तो फिर भी बहुत छोटी बात है, छोटी इस इन सेंस के सिर्फ एक बंदे का प्रोफाइल है, एक वेबसाइट है उसका नाम है वर्बलिंग। शुरू में जो लोग थे अब्दुल रहमान वगैरह, उनको मैंने पढ़ाई भी दी। अब वर्बलिंग जो है ना, परमानेंटली उन्होंने न्यूट्रिटर को बंद कर दिया है। 2021-2020 मैंने वहां पे प्रोफाइल बनाई थी, और एक दिन मैं देखता हूँ, मुझे जी में ये राशिद की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, मुझे मैसेज आती है वर्बलिंग की तरफ से कि अगर विद इन 24 आवर्स, अब आप, ये हमारा दूसरा आपको मैसेज है, अगर 24 आवर्स में आप हमें जो है ना ये क्लियरेंस नहीं दिखाएं तो हम आपके प्रोफाइल को बंद कर देंगे। जब मैंने देखा तो उन्होंने मुझे 1 महीने पहले भी मैसेज भेजा था कि हम तमाम ट्यूटर से कह रहे हैं कि आप हमें क्या कर ले, अपनी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और ये सिक्योरिटी चेक आप कर ले। क्यों? अब वर्बलिंग के अंदर कोई, वर्बलिंग अमेरिका की कंपनी है, वर्बलिंग के अंदर कोई मशकूक ट्रांजेक्शन हुई थी, पता नहीं कहाँ पे हुई थी लेकिन हुई थी। तो अब उन्होंने क्या कहा कि तमाम नए टीचर बंद, और पुराने तमाम टीचर से कहा कि तुम जो है ना वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट कर लो। अब जिन्होंने शेयर नहीं किए उनका प्रोफाइल नहीं। अब वर्बलिंग पे आप जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ पश्तो के दो टीचर है, एक मैं हूं और एक और बंदा है जो 2016 से वहां पे, मैंने तो 2021 में दोबारा रिस्टार्ट किया वहां पे, लेकिन पूरी की पूरी वेबसाइट ने एक मशकूक ट्रांजेक्शन की वजह से नए स्टूडेंट, न्यू टीचर बनकर, अब वो नए टीचर ले ही नहीं रहे। बाय द वे वो एडवर्टाइजमेंट भी कम कर रहे, वहां पे स्टूडेंट भी कम आ रहे, लेकिन बड़ी वो कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, ट्रिपले 2012 में बनी, वो 2008-09 में बनी थी। तो एक मशकूक ट्रांजेक्शन की वजह से एक बहुत बड़े इदारे ने न्यू टीचर ही बंद कर दिए। तो ये चीजें दिखने में तो बहुत मामूली है, कोई मुझे कहे कि मैं आपको $12 पे करता हूँ तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मैं काउंट भी करता हूँ कि चल 282 में तो ओपन नर्क में चल रहा है, 272 पे चल रहा है इंटर, इंटर में ये तो बन गए ₹2,000। लेकिन ये ₹2,000 आपके 2 लाख खा सकते हैं फ्यूचर में। जी, किसी और ने कोई और बात करनी हो तो, ये बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हैं जो इंटरनेशनली चलते हैं। अच्छा जी जी सर, एक आपसे ये पूछना था, बल्कि बाकी भी जितने यहाँ पे दोस्त बैठे हुए हैं, कि प्रेपली की बात बात वेबसाइट नहीं ओपन हो रही होती, तो ये बाकियों को भी इशू आ रहा है या? इसमें दो इशू हो सकते हैं, एक तो वेबसाइट पर इशू हो सकते हैं, दूसरा ये कि शार्क मछली अक्सर जो है ना समंदर में वो तारों के साथ चिकल नहीं चल करती रहती है, तो शायद वो इशू भी हो बिल्कुल सकता है। नहीं, उसमें ये ना, क्योंकि बाकी वेबसाइट्स बड़ी ठीक चल रही होती हैं, मैं इस वजह से ना फिर एक दो और वेबसाइट चेक करता हूँ ना, तो वो चल रही होती हैं, तो मेरे साथ अक्सर ही होता है, बल्कि एक दो तो सेशंस के दौरान फिर मैंने ये हुआ कि मोबाइल से उन बच्चों को मैसेज किया, गूगल मीट का लिंक शेयर किया, तो वहां से क्लास ली। सर जी मेरी सेशन है, मैं आउट जा रहा ओके हूँ, ओके ओके राशिद जी, आपसे इंशाल्लाह क्लासरूम मुलाकात होती जाऊंगा। है, मैंने आपसे कहा था सैटरडे संडे को आपसे मुलाकात भी हुई इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक सर हम ही आ जाएंगे सर आपकी तरफ, इसे रख हम यू, आपसे थैंक यू चाय पी वेरी मच, लेंगे। थैंक यू चले सर जी, इंशाल्लाह, चले सही, सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सर सर एक और चीज स्कूली के बारे में मैंने डिस्कस बल्कि ग्रुप में की भी थी, शायद वो आपने कहा था मैं किसी को रब्ता कराऊंगा बात किसी किसी साथ। सॉरी, मेरा एक सेशन सवाल सेशन था। की सर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि उनका क्या प्रोसीजर है इंस्टेंट सेशन का, क्योंकि तो 2 दफा मेरे साथ ऐसा हुआ है, इंस्टेंट सेशन की रिक्वेस्ट आई है, मैंने एक्सेप्ट की है, एक्सेप्ट करते ही वो क्लासरूम में उसने एंटर किया है, क्लासरूम में एंटर करते ही उसने मुझे आउट कर दिया। उसके अच्छा बाद देखो, जी मैं आपको बताता हूँ, ये जी देखो, ये मैं ओहो, स्कूली में तो दो तरह के सेशन होते हैं ना, आपको पता है। एक सेशन ऐसा होता है कि बंदा 1 घंटे के लिए सेशन बुक करता है, ठीक है, और ठीक है स्कूली में 1 घंटे के लिए अगर बंदा बुक करता है तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता। उसमें अगर वो तो पहले से बुक करता है तो उसमें मेरे ख्याल में स्कूली अराउंड अबाउट $50 चार्ज करती है स्टूडेंट से, $50 पर 1 आवर, तो उसमें तो आपको $20 मिलने होते हैं ना ट्रिपले में, आपको पता, स्कूली में सॉरी, तो फिक्स पे है कि आपको $20 मिलेंगे स्कूली के अंदर। एक दूसरा तरीका उसमें आता है इंस्टेंट सेशंस का। इंस्टेंट सेशन का मतलब ये होता है कि मैं बायो हल कर रहा हूँ, आप चूंकि SCCA वाले हैं तो मैं, लेट सपोज कोई मैथ्स का कोई मसला मुझे आया, मुझे तो मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आता, डिवीजन भी नहीं आती, तो मैं देख रहा हूँ कि कोई बंदा मिल जाए। अब मैं वेबसाइट को जाकर कहता हूँ कि मुझे जो है ना एक बंदा चाहिए जो मुझे जी पढ़ाए। अब वेबसाइट देखती है कि इस वक्त कौन कौन ऐसा बंदा है जो कि इंस्टेंटली जो है ना वो अवेलेबल है, अभी ये इंस्टेंट का ऑप्शन अवेलेबल, यस का ऑप्शन आपने लिखा है, तो अब कौन कौन अवेलेबल है, तो जितने लोग होते हैं तो उनको मैसेज आ जाता है, यहाँ पे अभी कुछ देर पहले यहाँ पे कुछ छोटा सा हाथ, ये हाथ, ये हाथ आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट आ जाता है कि ये एक बंदा है, उन्होंने जो है ना मैथ्स पढ़ना है, आर यू अवेलेबल, आप उनको यस मैसेज भेजते हो। अब ये मैसेज आपको भी आया और आपकी तरफ 20 और को भी गया है। अब जो बंदा को, अब जब आप इनमें से पहले, लेट सपोज अगर नंबर ऑफ ट्यूटर्स कम हो, ठीक है, तो आपको मैसेज आता है, आप उनसे बात करते हैं, वो बंदा आपको मैसेज भेजते हैं, विद इन 10 और 20 मिनट आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है, वो सेशन 5 मिनट भी हो सकता है, 15 मिनट भी, 20 मिनट भी, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, और आपको उसकी पे भी मिलती है। मैंने आपसे कहा था $15 से कम हो तो $5, इस तरह
20 डॉलर तक पर आवर होती है वो, और 1 घंटे से ज्यादा हो तो पर मिनट 1 डॉलर होती है। अब जितना जल्दी उनको आप अप्लाई करेंगे तो इसमें ये है कि वो टीचर स्टूडेंट यानी वो तो इंस्टेंट सेशन है, वो आपसे भी सेशन ले सकता है और किसी और से भी ले सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपसे पहले उसने किसी रब्ता किया हो और आपसे पहले उसने ज्वाइन किया हो, या जिस वक्त आप ज्वाइन कर रहे हो उस वक्त उसने भी ज्वाइन किया, तो उन स्टूडेंट ने बजाय आपके उसको प्रायोरिटाइज किया, तो इसलिए वो उसकी तरफ चला गया। मेरे पास अभी तक वैसे ऐसे हुए इंस्टेंट ही हैं, दूसरे रेगुलर वाले फिर आए ही नहीं है, तो फिर मेरे साथ इंस्टेंट ऐसे। ज्यादा आते हैं इसमें अच्छा स्कूली के अच्छा अंदर, इंस्टेंट ज्यादा आते हैं। और जब मैं तो चूंकि लिंग्विस्टिक ट्यूटर हूं, मैं तो जुबानें पढ़ाता हूँ, तो जुबानों के इंस्टेंट कभी नहीं आते, सब्जेक्ट के इंस्टेंट आते हैं। तो मुझे एक बंदे ने बुक किया था सेशन स्कूली पे, हालांकि वो आया नहीं था क्लास में, और इंस्टेंट तो जुबानों के आते नहीं, क्योंकि जुबानें आप समझते हैं कि उसमें इंस्टेंट पे कुछ उसमें हो ही नहीं सकता, वो तो जाहिर सी बात है कोई सॉल्व उसको कुछ करना हो, कुछ उनको इश्यूज होंगे तो उनके लिए आते हैं। इंस्टेंट में तो एक मुझे ये था कि अगर रिक्वेस्ट आ जाती है और अगर वो टॉपिक वैसा है जो मुझे तैयार नहीं है कुछ भी, तो उसके लिए भी ऑप्शन है कि आपको है आइडिया, तो उसके लिए फिर क्या करें ऑनलाइन अगर पे ना, रिक्वेस्ट नहीं जाती। ऑनलाइन पे ना, ऑनलाइन पे ना पढ़ाना बहुत आसान है। आप मुझे कहो ना केसीसीए पढ़ाना है, मैं जो है ना जरा नीचे गार्ड खोल के आपको पढ़ाऊंगा यहाँ से, बहुत आसान है ऑनलाइन पढ़ाना। ऑनलाइन पढ़ाना बहुत सिंपल है, ऑफलाइन पढ़ाना मुश्किल है। क्लास में बंदे की जो है ना वो हवाइया उड़ रही होती है कि क्या करेंगे, और कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया किसी ने, क्या करेंगे कहाँ से। यहाँ तो मुश्किल नहीं है, आप लैपटॉप पे पढ़ाओ, नीचे मोबाइल पे भी ओपन कर लो, गूगल पे भी टैब ओपन करके जो है ना वो कर लो, तो ठीक है, वो तो सिंपल बस है यार। डिस्कस करनी है, उसके बाद मैं बस आऊंगा। अच्छा एक फाइवर का सर आपने कहा था मैं एक सेशन करवाऊंगा, कि उसके लिए टीचिंग कैसे क्या फाइवर होगी। का हमने सेशन करवाया भी था, मैंने यूट्यूब पे अपलोड भी किया था, लेकिन फिर जो है ना बस मैंने डिलीट कर दिया उसको। और फाइवर का कोई मसला नहीं है, किसी दिन में जो हमारी फाइवर की ट्रेनर है उनको जो है ना लेके आऊंगा सेशन में, तो वो बेहतर गाइड कर लेगी इंशाल्लाह, कोई वो मसला नहीं है। वो साथी अब भी है, उनसे फिर करवा लेंगे। लेकिन ये गजा में जो कुछ चल रहा था, फाइवर का ऑफिस तलाबीब में है, आपको पता होगा या अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा मैंने उस अच्छा वक्त अच्छा वो यूट्यूब अच्छा वगैरह से डिलीट कर दिए उनके जो है ना, मैंने अपलोड किए थे, अच्छा अच्छे खासे व्यूज भी आ रहे थे, लेकिन मैंने वो डिलीट कर दिया वहां से। अच्छा 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 दूसरे सर, प्रिपले हाँ पे 30 मिनट सेशन या 60 मिनट सेशन में कोई फर्क तो नहीं है, अगर मैं किसी स्टूडेंट कहता हूँ कि 30 मिनट का आप बुक कर लें तो नहीं, ठीक आपके है लिए ना। फायदा फर्क नहीं है, नहीं आपके लिए फर्क नहीं है। देखो प्रिपले में आपको दो तरह से बेनिफिट मिलता है, एक तो ये कि काउंटिंग होती है ना कि आपके इतने सेशन हो गए तो कमीशन इतना कम हो गया, तो आधे बिल्कुल घंटे का वो काउंट नहीं करते, आधे घंटा को वो 1 घंटा का, तो आधा घंटा फिर आधा घंटा तब 1 आवर काउंट होगा, तो उस लिहाज से भी फायदा नहीं है। दूसरा ये कि ट्रायल में प्राइसिंग के हवाले स्टूडेंट से को ये भी, फायदा है, स्टूडेंट को ये फायदा है ट्रायल में, कि अगर वो ट्रायल करता है आधे घंटे के लिए करता है उसको पसंद आता ही नहीं आता, तो उससे पैसे कम लगेंगे उस लिहाज से, तो मैं समझ गई हाँ ये छूट को फायदा है, प्लान बल्कि अच्छा छूट है। नहीं अच्छा। तो देखो प्रिपले वाले जो है ना बहुत ज्यादा पैसे खाते हैं अगर आप कह ले, क्योंकि अब देखो ट्रायल जैसे अभी ये है कि प्रिपले वालों ने अच्छा ये किया है ना। अच्छा मैं आपको एक और बताता हूँ, जब भी प्रिपले में आपसे कोई स्टूडेंट बात कर ले ना, नया स्टूडेंट हो, आप उन्हें कहो कि आधे घंटे का ट्रायल बुक कर लो। वजह वजह यह है कि 1 घंटे का सेशन भी होगा तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आधे घंटे का भी होगा आपको पैसे नहीं मिलने वाले, तो आधे घंटे में बिल्कुल सेशन ऐसे ही लो, फिर कहो कि 1 घंटे का सेशन बुक करो तो उसको पैसे आपको मिलेंगे। सही सही। अच्छा दूसरा मेरे साथ जी एक छोटा सा फ्रॉड भी हुआ, बल्कि इसी प्लान से स्टूडेंट ने कह दी ट्रायल सेशन में, मुझे कहा मेरे पास ना टाइम नहीं है, मेरा कल पेपर है, तो अभी आप मुझे फौरन पढ़ा दें। तो वो ऐसे था कि उसने कहा मैं पेमेंट बाद में कर दूंगा, फिलहाल पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो मैंने उस पे फ्रेंच का था, तो मैंने वो 1 घंटा ट्रायल के अलावा भी पढ़ा दिया उसी उसी सेशन के दौरान ही। उसने बाद में खैर बुकिंग ना की, फिर वो मुझे भी आइडिया हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहरहाल वो तो जो होना था हो गया। उसके बाद फिर एक और स्टूडेंट आया, उसने कहा जी मेरी 2 घंटे की असाइनमेंट है, आप मेरे साथ हेल्प करें और मैं आपको 4 आवर्स का पे करूंगा। ये मैं उस लिहाज से पूछ रहा हूँ कि इस वजह से प्रोफाइल डीएक्टिव तो नहीं हो सकती कि उसने 2 घंटे की असाइनमेंट मेरे साथ बैठ के की आफ्टर बुकिंग द ट्रायल, और मुझे पेमेंट 4 आवर्स की उसने कर दी। तो क्या इसमें कोई इश्यू हो सकता है कि अगर 4 घंटे की नहीं वो खुद देखो इल्जाम लगा सिंपल रहे कि मैंने सिंपल सेशन कहो नहीं। ना, नहीं, वो तो मसला नहीं हो, उसमें मसला तो नहीं हो सकता, लेकिन इसका इसका बचने का हल मैं आपको बताता हूँ। देखो आप रेपले पे सेशन लेते हो तो वेबसाइट पे लेते हो ना, आपने वेबसाइट स्टूडेंट से में कहता है दे, मैं बाउंड हूँ वेबसाइट ने मुझे, अब वेबसाइट मुझे कहे कि क्या 1 घंटा 10 मिनट क्या करो सेशन में, मतलब मैं बाउंड हूँ ना, आप कहो कि मेरी मजबूरी है, अब मेरी मजबूरी है, अगर मैं 2 घंटे बैठूंगा तो वेबसाइट मुझे कहेगा कि तुम क्या करोगे। तो अब इसका हल ये है कि अब आप सेशन बुक कर लो, अगला सेशन 1 घंटे बाद कर लो, 2 घंटे मैं फिर बैठ जाता हूँ। अच्छा सही कोशिश कर लेना कि मामला क्लियर हो, मामला क्लियर होंगे तो इंशाल्लाह प्रोफाइल बेहतर होगा। सही अब सही हमारा हमारा मसला ये है ना, हम जो है ना बड़े वो फ्रेंडली होते, मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है कि घंटे के चलो एक आधा घंटे का और लो, तो मैं घंटे कहते चलो
आधे घंटे नहीं 45 मिनट का और ले लेंगे। देखो बिल्कुल ऐसे ही। हजरत अली रजी अल्लाह का एक मशहूर कौल है, वो कहते हैं तामलु ताशरु कल इखवान, जब तुम व्हेन यू लिव टुगेदर सो लिव लाइक ब्रदर्स, और ताशरु कल अजानिब व्हेन यू डील डील लाइक लाइक अजनबी, लाइक यू नो यू डोंट नो ईच अदर्स, तो अजनबियों की तरह जब मामला करो तो साफ रखो, हर एवरीथिंग इज क्लियर, ये रूल है तो यू हैव टू फॉलो, आई आई विल फॉलो, यू हैव टू फॉलो, और बाकी पढ़ाएंगे तो अपना पूरा हक अदा करेंगे इंशाल्लाह, एक एक मिनट जाया नहीं करेंगे। सर जी मुझे किसी और का सवाल हो तो अपना माइक ऑन कर ले काइंडली। सर अपवर्क में काम कर सकते हैं एज अ टीचर। कर तो सकते हैं, बल्कि मैंने कुछ सेशन तकरीबन $100 मैंने अपवर्क पे कमाए भी हैं। अपवर्क में मसला ये है कि अपवर्क में बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, बड़े प्रोजेक्ट इन अ सेंस, लेट सपोज एक बंदे को अरबी का ट्रांसलेटर चाहिए होता है, तो वो आपको हायर करता है प्रॉपरली, मिसाल के तौर पर 4 महीने 5 महीने वो एक प्रोजेक्ट के लिए साइन करता है, तो फिर वो प्रोजेक्ट खत्म करता है, तो उसमें इस तरह नहीं होता कि 1 घंटे का 2 घंटे का सेशन, लेकिन उसमें आते हैं, हो सकता है। जी सर वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं सनाउल्लाह बात करूं पिशावर से। मैंने आपने आपका सेशन पिछले से पिछले रमजान में आपको रजिस्टर किया था, और उसके बाद फिर मैंने वो रिप्लाई पे भी अकाउंट बनाया था, स्कूली पे भी बनाया था, 2-3 महीने वेट किया, उसमें बार बार वो मेरी वीडियोस वगैरह रिजेक्ट हो रही थी। बस मैं फिर वो स्टार्ट हो गया, फिर मैंने छोड़ दिया उसको। तो उसके बाद फिर मैं इधर उसके साथ अटैच थी कि आप लोग आप अभी आपका ये सेशन मैं ले रहा हूँ, तो अभी दोबारा मुझे मोटिवेशन हो रही है कि मैं दोबारा वो ट्राई करूँ ना। तो मैं नहीं, फिर आप वो आपसे देखो मसला ये है ना, आपको अभी मोटिवेशन मिल रही है, करेंगे प्रोजेक्ट हो जाएगा, आपकी मोटिवेशन फिर मर जाएगी, फिर क्या करोगे। मसला ये है नहीं जब सर तक आप चीजों को सीरियस नहीं लेंगे ना, वेबसाइट देखो जब आपने वेबसाइट को सीरियस नहीं ले रहे, तो वो क्यों आपको सीरियस ले। सही 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 ठीक। एक्चुअली कुछ टाइमिंग इश्यूज भी थे, बस बिजी था, इस वजह से बस उसको टाइम ही नहीं दे पाया, तो बस ये कुछ इश्यूज भी आ रहे थे बस ठीक है, बस। हाँ तो मैं चाह रहा था कि मैं अभी मैं दोबारा बिगिनिंग से करूँगा, क्योंकि आपके वो पुराने लेक्चर मेरे पास पड़े हुए हैं ना, तो उसमें कोई चेंजिंग वगैरह तो नहीं आई वेबसाइट पे उसमें, क्योंकि वो तो 2 साल नहीं, पुराने। कुछ ना कुछ कम, बहुत कम, बहुत कम आई होगी, इतनी ज्यादा नहीं है, बहुत कम। हाँ वो रिकॉर्डेड लेक्चर मेरे पास पड़े हैं, वो तो फिर मैं दोबारा देख के वो सारा प्रोसीजर वो कर कहीं दूंगा पे उसकी, आपको फिर इशू जो आता उसकी। है ग्रुप में भेजिए, कहीं पे इशू आ रहा है ग्रुप में भेजिए। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो ट्रायल क्लासेस होती हैं उसमें बेसिकली स्टूडेंट्स की क्या क्वेरीज होती है, और इसमें लेक्चर बुक करते हैं या ट्रायल क्लास के बाद लेसन बुक करते हैं, और फिर वो जो लेसन होता है वो हम प्रेप्टी की वेबसाइट पे डिलीवर करते हैं या जूम पे? देखो प्रिपले की वेबसाइट पे भी आप डिलीवर कर सकते हो और जूम पे भी, लेकिन बेहतर ये है कि आप कोशिश कर ले, अगर इंटरनेट का इशू ना हो तो प्रिपले की वेबसाइट पे ही डिलीवर कर ले, और स्टूडेंट की डिमांड क्या होती है, तो इसका सिंपल ये है कि जब लेट सपोज अभी 9:30 बज रहे, अगर स्टूडेंट मेरा सेशन बुक करेगा तो वो 9:30 9:37 से 9:38 पे नहीं बुक करेगा, वो बुक करेगा 10, 11, 12 बजे। तो जब स्टूडेंट ने आपको मैसेज बुक किया, आपको प्रिपले पे जीमेल पे आया कि स्टूडेंट आया है, तो आप उनसे बात कर लो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ट्रस्ट, वुड यू लाइक टू टेल मी व्हाट आर योर लर्निंग गोल्स, करंट कंडीशन क्या है, क्या पढ़ना है, क्या करना है। तो देखो अच्छा टीचर ये होता है ना कि वो स्टूडेंट से ये नहीं पूछता कि अच्छा आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, स्टूडेंट अच्छा टीचर वो होता है जो बातों बातों में उनसे बातें निकाले, यानी स्टूडेंट को पता भी ना हो और आप उनसे इशारों के नावे में ये समझ ले कि उसने क्या पढ़ना है, अगर आप उनसे कह देंगे कि आपने क्या पढ़ना है तो वो आपको बताएगा, और यानी कि वो आपको बताएगा। अब ये भी ना कर ले, पिछले दिन मुझे स्टूडेंट ने मैसेज किया, उनके साथ किसी सेशन बुक किया था, उसने मुझे कहा कि सेशन को आधा घंटा रह गया, मैं वेट कर रहा हूँ, स्टूडेंट मुझे कब भेजेगा कि मैंने क्या पढ़ना है। मैंने कहा तुम पूछो ना, तुम पूछो कि क्या पढ़ना है, ये जरूरी है कि उसने कसम खाया कि वो अब वो यानी कि यूजली वो आपको बताएगा, लेकिन अगर वो नहीं बता रहा तो आप पूछे, पढ़ाना तो आपको है ना, आप पूछे। सही जी सर, ठीक था जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्ला। ये कुछ स्कैम की बात चल रही थी, बुरी बात तो मैं सुन नहीं पाया। असल में मेरे साथ ये स्टूडेंट है ना अमेरिका से,
उसने कुछ 20 लेसन बुक किए हैं, तो बीच में उसने एक ही लेसन लिए है ना, उसके बाद फिर वो लेसन भी साथ नहीं ले रहा। कौन किस तो वेबसाइट कभी पे? मैसेज करता है, ये प्रेपली की बात कर रहा हूँ, प्रेपली पे। अच्छा तो एक आध सेशन लिए तो बीच में कह रहा था कि भी मेरा हेड एक है तो ये मसल इश्यूज वगैरह चल रहे हैं। उसके बाद उसने सेशन वगैरह नहीं लिए, तो उसके साथ अभी तो मैसेजेस पे रबते में नहीं हुए। उसका कुछ नुकसान क्या कुछ हो सकता है? मैंने पूरी बात आपकी स्क्रीन सुनने से कहा। आप उनसे कह लो कि देखो सेशंस अच्छा इसका एक मैं आपको तरीका बताऊं। जब वो सेशन लेगा ना, अगला एक सेशन तो लेगा ना, 2-3 एक महीने में सेशन लेगा, तो उसका आपसे स्क्रीनशॉट निकालो। और अगर कभी यूजुअली असल में एक दो सेशन 4-5 सेशन पे नहीं होता, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो, एक बंदा आपके साथ 20 सेशन बुक करता है, एक के लिए भी नहीं आता तो मसला है। अगर वो आपको 100 सेशन बुक करता है नहीं आता तो मसला है। अब देखो $10 $20 पे स्कैम नहीं होता, ठीक है। शरीयत में भी चोर को, वो चोर उसको कहते हैं, जो आपकी हाथ आवाज पकड़ता है, आपकी जिसका कम कटी से कम आप 10 दिरहम हो ना। तो अब अगर एक सेशन दो सेशन, ये इतनी बड़ी जी। बात नहीं है, अगर ज्यादा हो फिर मसला है, समझे। बाकी तो उसका कुछ लग नहीं रहा उसने, मेरी प्रोफाइल पे अच्छा खासा रिव्यू भी दिए हैं, मैं सेशन भी अटेंड किए, लेकिन फिर गायब है ना, तो पता नहीं है उसको। कितने सेशन अभी रहते हैं? उसके 20 सेशन बुक किए थे तो 19.5 आधा सेशन मेरे साथ उसने दिए, बस आधे घंटे का मतलब ट्रायल के 19 रहते बाद। हैं। और पर आवर रेट कितना है आपका? तो पर आवर $3 ये 19 को मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो कितना बनेगा? इतने ज्यादा नहीं, $50 है, इसकी इतने इतनी बनेगा। इतनी बड़ी रकम नहीं है, इंशाल्लाह इसमें मसला नहीं अच्छा आएगा। अब मिसाल के तौर पर मेरा रेट है बीस अच्छा डॉलर और मेरे पास कोई 50 50 50 सेशन बुक करता है और वो नहीं जा रहा, तो आप 50 को मल्टीप्लाई बाई 20 का, तो ये 800 $1,000 बन जाते, तो बड़ी रकम है, फिर मसला बन सकता है। आपको प्रूफ, लेकिन आप उनसे बात कर ले, टाइम टू टाइम उनसे रابطہ कर ले कि मेरे से सेशन ले लो, एक दो सेशन भी ले लेना बीच बीच में, तो फिर हो जाएगा, मसला नहीं है फिर। चलो ठीक है, क्लियर। अच्छा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सर मैं वालेकुम सलाम। मुजम्मिल शाह अर्ज कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी सर प्रेपले पे मैंने प्रोफाइल बनाई थी तकरीबन 1 साल पहले, तो उसमें मुझे दो स्टूडेंट्स मिले। अब एक स्टूडेंट ने क्लास ले ली, लेकिन वो मुझे कहता है कि हम इस तरह करते हैं कि प्रेपले से हट करना, मैं आपको इन्हीं मंथली बेस पे जिस तरह होता है, तो क्या अब उसके ऐसा करना चाहिए? इससे प्रपले तो हमें वॉच नहीं कर रहा होता, या कोई मसला तो नहीं होता? प्रिपले तो आपको वॉच नहीं कर रहा, लेकिन 2-3 इसमें मसले हैं। मिसाल के तौर पर प्रिपले जब भी वेबसाइट पे आप रजिस्टर होते हो, तो आप उनकी शरायत को, यानी कि आप उनसे एक एग्रीमेंट करते हो, एक अहद करते हो कि मैं आपकी शरायत की पासदारी करूंगा। तुम यानी कि ये एक आप बदअहदी कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि इससे आपको नुकसान क्या होगा? जाहिर सी बात है, अगर वो आपको बाहर जा रहे तो वो कम पैसे देगा, सेशन से कम देगा, फाइनेंशियली आपको इसमें मसला। तीसरा इसमें मसला ये होगा कि अगर वो आपके साथ 20 सेशन लेते हैं, तो प्रिपले पे तो शो होगा कि बंदे ने 20 सेशन लिए हैं, तो इस 20 से आपके पास 2-3 और स्टूडेंट आएंगे। अब वो चला जाएगा तो खत्म, आपकी कहानी खत्म। लेकिन यहाँ पे आएगा तो फायदा होगा। आपने उनसे कहना है कि देखो अगर मैं करूंगा तो वेबसाइट जो है ना मेरे प्रोफाइल को ब्लॉक कर देगा, इसमें मेरे लिए मसला है। तो बेहतर ये है कि चले, अगर आपको मसला है तो मैं डॉलर रेट कम करता हूँ, लेकिन प्रिपले पे पढ़ाओ मेरे साथ, वेबसाइट पे पढ़ो। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी जय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अभी मेरी 9:45 पे क्लास है, सेशन छोड़ने का आपका दिल तो नहीं कर रहा? बड़ा नहीं अच्छा, नहीं इन्हीं चले, मालूमाती थैंक होता यू, है, तो बहुत चले। शुक्रिया। तो मैं ग्रुप मेंबर से भी करूँगा रिक्वेस्ट कि अगर कोई और इम्पोर्टेंट बात हुई तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। आप में से कोई भी अब्दुलरहमान साहब या सर अब्दुलरहमान साहब, आप बेशक कोई इम्पोर्टेंट अगर बात हुई तो वो, जी ठीक हो गया। एक बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अच्छा सर एक बात और पूछनी मैं भूल गया था कि एक स्टूडेंट ने मेरे साथ पश्तो लेसन बुक किया है आईटाकी पे। अब पश्तो का तो इस तरह कोई ग्रामर यानी हम क्या पढ़ाएं उनको, ये फर्स्ट टाइम पश्तो का लेसन बुक हुआ है, तो ग्रामर पख्तूनी, की मतलब जब तो नहीं है मैं। आपको ये किसने कहा है कि जो को जुबान पढ़ता है वो आपसे ग्रामर पढ़ता है? ये देखो, ये चीजें पाकिस्तान में होती है कि लोगों ने उर्दू पढ़नी है तो गालिब पढ़ना है। मुझे एक लतीफा याद आ गया, मैंने एक अरब ने एक सेशन बुक किया मेरे साथ उर्दू का, तो मैंने कहा, अरब में पूछा कि लिमा तुरीद अन तअल्लम उर्दू या व्हाई यू वांट टू लर्न उर्दू। उसने मुझे कहा कि उरीदु अन अकरा मंतो, आई वांट टू लर्न मंतो, आई वांट टू लर्न अल्लाह मुल बारिद,
आई वेंट, मैं जो है ना वो उनका अफसाना है ना ठंडा ठंडी गोश, उसने मुझे कहा मैंने वो पढ़ना है। तो देखो वेबसाइट्स पे कभी भी आपको ग्रामर वाले 90 में 100 में एक बंदा आएगा, मेजोरिटी क्या है कन्वर्सेशन। आप आधे घंटे का सेशन होगा, आप उनसे बखैर रागले संगे खेस्तानुम सदे जमानुम दादे स्ता जमा हाग हागुई, ये पढ़ा लो उनको सिंपल। नहीं सर, वो बाकायदा पूछते हैं कि अब आज उसने एक मुझे मिसाल किया ना कि आई ईट और आई एट, अब ये प्रश्नों में हम कैसे बोलेंगे, मुझे ग्रामर हाँ के तर्क में सिखाओ। ताता ना ताता ताला खपला पख्तू दर्जी, तो वो जो पख्तूनी में वजीरस्तान है आप, वजीरस्तान के है नहीं, मैं लकी मरवत कहूँ। बस, यो खबर था कहना गोरा चेतन ना ख्वाशी बस बेयो खबर था हम जफर दर्जी मां। मसला ये है कि अब ये तो आपको पता होना चाहिए ना, किसी भी जुबान में तीन टेंसेस तो होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब ज रोटे खुरम, ज ब रोटे खुरम फ्यूचर हो गया, मा रोटे खोड़ेली हुआ। अब पश्तो में ना ये है कि मैं मुझे खुद पश्तो नहीं आती थी बाय द वे, मैंने ये सीखा है जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने सीखा साथ साथ। मुझे आती थी यानी कि नेटिव आई स्पीकर मैं था, लेकिन ग्रामर उन चीजों का मुझे नहीं था। अब पश्तो में सबसे मुश्किल टेंस वो पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस मुश्किल इस लिहाज से है, और ये दीगर जुबानों वाले इसमें थोड़े वो भी करेंगे कि उसमें वर्ब चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर उर्दू में आप कहते हो मैंने खाना मैं खाना खाता हूँ, मैंने खाना खाया था और मैं खाना खाऊंगा, पश्तो में पास्ट में वर्ब चेंज हो जाता है, तो ये थोड़ा मुश्किल है। तो आपने उन्हें बताना है कि देखो आप बिगिनर हो, पहले ही दिन से जो है ना आप चलांगे ना मारे, आप बेसिक सीख रहे पहले, फिर वो वहां पे जाए। अब ये पास्ट टेंस मुश्किल है पश्तो के अंदर, ये वो नहीं कि पास्ट टेंस पे किताबें हैं मुख्तलिफ, तो पास्ट टेंस मुश्किल है। लेकिन जी आप सर, देखो ना ऐसे ही है जर उठे फ्रॉम जबर उठे फ्रॉम मार उठे फोड़ेली हुआ, जी। तो अब उसमें थोड़ा मसला आ जाता है पास्ट में। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि देखो ये मसले हैं लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, तो शुरू में आपको समझाना। एक और बात, मैं पहले दिन ही वेबसाइट पे स्टूडेंट को बताता हूँ कि देखो जुबान सीखना ना ये टेस्ट मैच है, ये 2020 नहीं है। अगर आप इस मूड में है कि आप एक हफ्ते में एक महीने में सीखेंगे ना, तो आप बिल्कुल टाइम वेस्ट ना कर लेना मेरे साथ ना किसी और ट्रेनर के साथ। आई डोंट इवन वॉन्ट टू किल योर टाइम एंड मनी, आप बिल्कुल मेरे साथ सेशन ना ले। लेकिन आप हफ्तों में महीनों में नहीं सीख सकते, जुबान टाइम मांगते हैं। पश्तो जुबान तो फिर बहुत ही मुश्किल इसलिए हाथ से है कि इसमें हमारे पास कोई ऑर्गेनाइज फॉर्म में किताबें भी नहीं है, उर्दू वगैरह में या अरबी में आपको किताबें मिल जाती है, बहुत सारा मवाद मिल जाता है। पश्तो में आपने सब कुछ खुद ढूंढना है। तो आप ये कभी भी किसी के साथ आप कमिटमेंट ना करें कि मैं 2 महीनों में आपको नेटिव बना दूंगा, मुश्किल मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। जी, क्लियर हो गया सर, बहुत शुक्रिया। जी कोई सवाल किसी का हो तो। मैं पूछ रहा सलाम हूँ कि देखा वालेकुम पाकिस्तान में वरहमतुल्लाह। बुकिंग हो सकती है, पॉसिबल है जी रेकले पे विद इन पाकिस्तान में बुकिंग हो सकती है, अगर कोई इस्लामाबाद से लाहौर से कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहे हो बिल्कुल हो अब्रॉड सकता है, बिल्कुल होता है। मैंने मेरे साथ बुक किया है आईटाकी पे, कराची के एक बंदे ने, होता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन वो कार्ड पे पे करेगा, कार्ड में मसला ये है कि अगर क्योंकि वो डॉलर पे करते तो मसला ये है कि उसमें तो एक तो उसने डॉलर की फीस देनी है, उनके अकाउंट से कटेगा, तो इंटर बैंक का नहीं कटेगा, ओपन का कटेगा, और उसके साथ साथ कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी हो रही है तो उसका एक्स्ट्रा कटेगा, तो बड़ा उसको महंगा पड़ेगा। ट्रांजेक्शन के लिहाज से पूछा जा रहा था कि स्टूडेंट को इशू तो नहीं होगा, क्योंकि उसने नहीं वैसे भी नॉर्मली मुझे फीस पे करनी थी, तो मैंने कहा इधर मुझे ये कि मेरे आवर्स बढ़ जाएंगे मुझे फायदा होगा, तो मैंने कहा आप किस मोड से आ जाए, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। तो उसको अगर सेम पैसे चार्ज हो उधर भी इधर भी, अगर नॉर्मल मैं उसको पढ़ाऊँ तो मैं मेरे लिए बिल्कुल बेहतर है कि मैं इधर पढ़ा लूँ उसको। नहीं जो है ना उसमें हो सकते हैं, मुश्किल नहीं है लेकिन बहुत कम आते हैं जो लोकल होते हैं, बहुत कम आते हैं। कहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक और वालेकुम सवाल सलाम। था, वो जो ऐप है ना ट्विटर वाली जिससे कुरान पाक वगैरह पढ़ाया जाता हाँ है, उस पर टेस्ट देने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह क्या है ना। हम तो मतलब मैं तो मतलब उस तरह हाफिज भी नहीं हूँ, तो उसका हम आप लोग टेस्ट देकर वो कर सकते हैं अप्लाई। उसके लिए एक बड़ा अच्छा जुमला है कि आप रहने दे, ठीक है। मतलब मैं कुरान कहता पाक हूं पढ़ना आता मदरसे भी है और के सारा कुछ कर सकते हैं, अगर मतलब डिग्री होल्डर नहीं है ना उस तरह की। नहीं 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 अगर आपने बाकायदा किसी मदरसे में नहीं पढ़ा तो आप न पढ़ाए, अच्छा ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर हाफिज रबनवास बात कर रहा हूँ। जी। मेरे सर दो सवाल हैं। एक सवाल मेरा ये है कि मेरे पास ऑलरेडी दो एक्टिव स्टूडेंट प्रेपरी पे चल रहे हैं और दोनों ही कुराने पाक को याद कर रहे हैं, अच्छा तो उस सूरत में क्या मैं वो सर चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि पहले मैंने वो वीडियो कुछ बस बिगनिंग लेवल पे बनाई थी। अब तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस हो गया कि वेबसाइट कैसे काम करती है या इस पे किस तरह वर्किंग होती है, तो उस में एक तो क्या वीडियो आपकी हाफिज अभी नहीं कर सकती रबनवाज या अभी नहीं लीजिए? रबनवाज आपकी आवाज बहुत कटी बीच में, मुझे समझ ही नहीं है कि आपने क्या और कहा। तो दूसरा बेहतर सवाल ये, ये है कि रेट। मुझे आपका जी पहला जी सवाल भी समझ नहीं आया क्योंकि बहुत ज्यादा जो है ना आपकी आवाज कट रही है। बेहतर ये है कि आप दोनों सवाल ग्रुप में भेजे, मैं जो है ना देख के व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा इंशाल्लाह वॉइस के अंदर। ठीक है, अस्सलाम आपकी आवाज वालेकुम। बहुत कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। तो बेहतर ये है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेज दें मैसेजेस, मैं जो है ना वो करके आपको कर दूंगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अब ठीक वालेकुम है सर, आवाज वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर कैसे हैं? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सब ये ऑनलाइन कुरान टीचिंग के हवाले के हवाले से कोई अच्छे से वेबसाइट दो तीन बता दें कि जिस पे प्रॉपर काम हो, स्टूडेंट मिल मुश्किल सके। कुरान टीचिंग के लिए मुश्किल है, इसकी वजह यह है कि इसकी जो है ना देखो, जिस चीज के अंदर लोग ज्यादा आ जाते हैं उसमें फिर मौके कम हो जाते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अरबी कह रहे हो, आप कुरान तो, अब देखो इसने मुझे कहा कि मैंने मदरसे में नहीं पढ़ा, बाकायदा नहीं पढ़ा, मैं कुरान पढ़ा सकता हूँ। तो हर अब्दुलरहमान भी पढ़ा सकता है, मुझे पता है इसको कुरान आता होगा, मुसलमान है, सब सबको आता है कुरान ना। तो ये कोई एक्स्ट्रा, यानी कि ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल नहीं है कि हाँ आप ये कह ले कि मैंने जो है ना मुझे वरिश आता है, या मैंने आसिमा में आसिम के तरीके पे जो है ना मुझे आता है, या मुझे निहावंद आता है, या मुझे जो है ना पानीपत्ती आता है। तो अब ये थोड़ा यूनिक हो गया। अब अगर सिंपल आप कहते मैं मुझे कुरान पढ़ाना है मैंने, तो ये वेबसाइट पे मुश्किल है। इस तरह आपको लोकल लोकल मिल जाएंगे, लेकिन वेबसाइट चूंकि पर आवर आपको पे करती है तो मुश्किल होता है। लिहाजा वेबसाइट पे कुरान पढ़ाना इसके स्टूडेंट बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी ऑनलाइन अकेडमिया जो है वो आपसे 2000, मैंने आपसे कहा मैं खुद 2000 रुपये महीने पे पढ़ाता था, तो अब 2000 रुपये महीने पे पढ़ा रहा है, और या अभी मैं $13 लेता हूँ तो 3000 रुपये पर घंटे बन जाते हैं। तो अब एक बंदे को अगर 2000 महीने का बंदा मिलता है तो वो 3000 पर घंटे पे क्यों लेगा। तो इसलिए कुरान के स्टूडेंट कम है वेबसाइट के अंदर। तो आप अरबी के अंदर आए, अरबी के अंदर कुरान शामिल हो जाता है अब, क्योंकि अरबिक, ये कुरान एक अरबिक, अरबिक का एक पार्ट है। तो आप अरबिक को फोकस कर ले, अगर आपने मदरसे में ग्रेजुएट, यानी आप मदरसा ग्रेजुएट है, तो आप अरबिक को फोकस कर ले, अरबिक के अंदर कुरान खुद आ जाएगा। जी। अच्छा सर, ये शुक्रिया। ट्यूटर और कारी डॉट आई ओ, ये दोनों वेबसाइट ऑथेंटिक हैं, यानी कारी डॉट ए आई प्रोफेशनल ओ जो है ना, हैं ये कर कारी रहे? डॉट ए आई ओ या ओ के नाम से जो वेबसाइट रिशान उस्मानी ने बनाई थी, वो बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है। जी उसने वो बनाई थी, और आप ये समझ ले कि वो जो है ना वो मार्केट में श्योरली पेंकी थी कि हम ये काम करने जा रहे हैं, लेकिन उसने उसको प्रोसीड नहीं किया हुआ है, तो वो चल नहीं रहा। जिस तरह उसमें जो है ना वो किया था, तो जी वो नहीं कर रहा। वेबसाइट बड़ी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट मांगता है, ये नहीं है कि उसने बनाई, वेबसाइट में भी बना लूंगा और ये बन जाएगी, लेकिन उसको एडवर्टाइज करना है, उसमें स्टूडेंट कैसे आएंगे, लोगों का ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा, उस पर खर्चा आता है। पिछले दिनों मुझे ट्यूटर वालों ने मैसेज भेजा कि हम जो है ना एड चला रहे हैं उस पर, इंस्टा पे, फेसबुक पे, वो पहले चलाते हो, कह रहे हैं हम इंस्टा पे एड चला रहे हैं, तो आप वीडियो रिकॉर्ड करके भेजिए, अगर उसके थ्रू आपको फिर स्टूडेंट आएंगे वगैरह वगैरह, तो इस पर इन्वेस्टमेंट लगती है। तो अब कैरी डॉट आई पे उनकी आप साइट पे उसको कर ले, प्रोफाइल अप्लाई कर ले उस पर, लेकिन वो उतनी प्रोफेशनल नहीं है जिस तरह क्यूट रहे। सर उस सच्ची पे जरा बात। मुझे दो जी जी उस पे मुझे जी दो रिक्वेस्ट आई भी, लेकिन उसको मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब आगे है ना, उसमें कोई जवाब नहीं है कि यही मैं बता रहा स्टूडेंट। हूँ ना, यही मैं बता रहा हूँ ना, ये प्रोफेशनल नहीं है, वो प्रोफेशनल नहीं है। अब अगर कारी डॉट ए आई जो है ना वो प्रोफेशनल नहीं और ट्यूटर सर जो है उस पे मिल जाते हैं स्टूडेंट? ट्यूटर तो बहुत प्रोफेशनल वेबसाइट है, अलबत्ता उसमें भी मसला ये है कि उस पर बहुत ज्यादा टीचर है, बहुत ज्यादा टीचर है, और वो भी चूंकि थोड़े आ गए हैं, उनका शुरू में तो गोल ये था कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म बना दें जिसमें हम कारियों से चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन उनका भी अब
शुरू में करोगे तो भी आपसे वो पैसे मांगते हैं $8, और बाद में आपसे कहते हैं कि अगर आपने स्टूडेंट कोड वन क्लिक, उन्होंने एक नया सिस्टम किया वन क्लिक माल मेल प्लान, आप उसको बाय करना चाहेंगे तो आपको $18 पर मंथ उनको पे करने पड़ेंगे। तो उन्होंने उसको बड़ा वो कमर्शलाइज किया हुआ आजकल। अच्छा असल ठीक में इसका सिंपल ये है कि पढ़ाने वाले ज्यादा है, पढ़ने पे पढ़ने वाले कम है, कुरान पढ़ने वाले, तो इसलिए अब वो जो है ना वो ये कर रहे हैं। अब $8 वेबसाइट पे कोई अप्लाई करेगा, वेबसाइट क्यूटर पे आप टेस्ट फेल करोगे तो दोबारा आपको $6 पे करने पड़ेंगे भी, हालांकि ये पहले फ्री था। मैंने 4 बार फेल किया और फिर 5वीं बार मैंने पास किया था वो टेस्ट, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने जो है ना उसको अपडेट किया, चेंजेस किया, और अभी वो ये कर रहे हैं। वो उसमें भी ये चीज इतनी ज्यादा, वेबसाइट्स में इतनी ज्यादा चेंजेस नहीं आते, वो भी पाकिस्तानी वेबसाइट है इसमें चेंजेस ज्यादा आ रही है, और बंदा यूके में रह रहा है लेकिन ये कराची बेस्ड वेबसाइट है क्यूटर वाली। जी, शुक्रिया सर। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, मैं नौशेरा से मोहम्मद जुनैद बात कर रहा हूँ। हाँ जी जी, ये पिछले रमजान में मैं आपके साथ क्लास लिया था ना जी, जी जी तो मेरा जो है वो मैंने कुछ ना कुछ तो उस पर काम किया था, लेकिन वो मोबाइल मुझसे गुम हो गया, तो जीमेल उससे वो हो गया ना, तो अभी फिर दोबारा जीमेल बनाना पड़ेगा या पिछला जीमेल मिल जाएगा? नहीं, जीमेल किस तरह गुम होता है, जो आपको पासवर्ड नहीं पता? वो असल में वो नंबर जो है, वो 2 सिम के नंबर, वो नंबर मैंने रजिस्टर किया था उनके साथ, तो वो नंबर ही गुम हो गया। बस अब इसका तो कोई मोने का देव जाए, वेबसाइट आपको जीमेल, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा, कई कई बार कहा, फेसबुक पे नंबरों पे प्रोफाइल ना बनाए, जीमेल पे बनाए। जीमेल पे प्रोफेशनल बंदे, प्रोफेशनल लोग जो है ना वो जीमेल पे काम करते हैं, नंबरों पे नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है मेरी अब सर? जी बिल्कुल आ रही है। सर मैंने ये सवाल पहले भी किया, आप सर मेरी आवाज़ कट गई थी, कि मैं प्रेपली पे पढ़ा रहा हूँ, 2 एक्टिव स्टूडेंट हैं मेरे पास, वो वीकली चल रहे हैं, तो एक तो मैंने सर ये पूछना था कि क्या अब मैं अपनी वीडियो जो है वो चेंज कर सकता हूँ या अभी नहीं करनी हाँ कर चाहिए? सकते हो, इसका सिंपल जवाब है कर सकते हो। ठीक है। और दूसरा सर रेट का, क्योंकि दोनों जो हैं वो लॉन्ग टर्म चलने वाले स्टूडेंट हैं, दोनों कुरान को याद कर रहे हैं, तो कितना उसके आप लिए फिर चार्ज कर अभी रहे हो रेट ना उनको, चेंज करूँ? कितना चार्ज कर रहे हो सर उनको? मेरा $3 है। ठीक है, उनको चेंज ना करें लेकिन दीगर को चेंज करें ना, दीगर को तो चेंज करें। वो सर कैसे प्रोसेस होगा फिर? वो तो नहीं, आप कंप्लीट जाए चेंज वेबसाइट पे करना अपनी पड़ेगा। अपनी अपना रेट चेंज करें, अपना रेट चेंज करें, तो ये नयों के लिए चेंज होगा, पुराने जो है ना प्रिपले पे उनके लिए चेंज नहीं होगा, नयों के लिए चेंज होगा ये। मतलब अब वो अगर पहले जो चल रहे हैं उनको $3 ही पे करना पड़ेगा? हाँ वही 3 पे करेंगे, नए आने वाले आपको ज्यादा पे करेंगे। ठीक हो गया सर। और दूसरा सर ये मैंने पूछना था कि अभी सिर्फ वो 2 ही हैं, नए स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, तो इसके लिए सर कोई और अगर आपके माइंड में हो बात के उसको नहीं, हम मैं सिंपल प्रोफाइल को है, ग्रो देखो करने के लिए? कोई वेबसाइट पे जी ना, जी यहाँ पे कोई पेड कोई वो है ही नहीं, तो आपको अपनी सबसे बड़ी बात यह है कि आपके वीडियोस पे व्यूज आए, ठीक है। अब व्यू वीडियो अच्छी बनाओ, वीडियो अच्छी बनाओ और उस पर व्यूज आए। जब व्यू 50 व्यूज आएंगे उसमें 5 बंदे मैसेज करेंगे, 2 बंदा सेशन बुक करेगा, लेकिन अगर आपके पास कोई कुल व्यूज ही 5 आते हैं तो फिर, और वो 5 भी हमारे जैसे लोग होंगे, तो जाहिर सी बात है कि फिर क्या करेगा कोई। मैं मुझे इटाकी पे बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं पाकिस्तान के, मैं उनको मैसेज भी नहीं करता, मुझे पता है कि ये जो है ना वो चस्के वाले हैं, तो मैं देखता हूँ कि किसी बाहर मुल्क का हो तो उनको, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, अफगान, ये उनको मैं बिल्कुल मैसेज, एशियंस को मैं मैसेज नहीं करता, मुझे पता है ये जो है ना वो जो है ना चस्की के लिए आए हुए तो हैं। तो ये सर प्रेपली पे कैसे पता चलेगा सर व्यूज का, वीडियोस पे? वहां पे तो आता है ना कि आपकी वीडियो रिप्ले में ये आता है कि आपके उस पर इतने व्यूज हो गए। अब आप देख लो कि आज 4,450 है, तो 2-3 दिन बाद या हफ्ते बाद वो 4,557 हो गए या 60 हो गए, या तो वो आप इंक्रीज कर लो ना, कम हो ज्यादा हो हाँ गए नहीं हो गए वो सर वहां पे पता चलता है ना आपको। स्टेटस में बात हाँ तो हाँ समझ आ स्टेटस गई है, स्टेटस के अंदर लेकिन होता है, हाँ बिल्कुल वहां पे आता है। जी सर वो उसमें सर ये कैसे पता चलता है कि उसमें, मेरे ख्याल में तो ऑप्शन नहीं है, ये सर आई टॉकी में है? हाँ इटाकी में है ना, रिप्ले रिप्ले में तो नहीं है ऑप्शन बिल्कुल।
और दूसरा सर ये मैंने पूछना था कि आई टॉकी है या स्कूली या इन, अब मेरे किसी और पर प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट नहीं बन सकी क्योंकि सब नहीं बंद किया हुआ है, सिर्फ नहीं बंद प्रेटली पे की किया आप, था नहीं, आप नहीं किया बंद कौन सी दुकान? सर। आई टॉकी पे अरेबिक उर्दू जो नहीं, आईटाकी भी पे हमें बंद आती है, है वो सर। नहीं आईटाकी पे बंद है, सब पे बंद नहीं है, सिर्फ आईटाकी पे बंद है और किसी पे बंद नहीं है। आपने कहा सब पे बंद है ना, मैं आपको थोड़ा मदरसे के टर्म में कहूंगा कि आपने दावा ये किया है कि सब पे बंद है, आप आईटाकी के अलावा दो वेबसाइट का नाम ले जिसपे अरबी और उर्दू बंद है। सर वो एक वर्बलिंग है वो उसमें नहीं एक्सेप्ट नहीं, कर रहे वर्बलिंग स्कूली पे, पे मैं कोई। वर्बलिंग पे तमाम जुबानें बंद है। मैंने अभी आप मेरे ख्याल में सेशन में थे नहीं, मैंने उनको पूरी कहानी सुनाई वर्बलिंग की कि वो क्यों बंद है। ठीक है हाँ वर्बलिंग पे सिर्फ जी अरबी नहीं बंद, तमाम जुबानें बंद है। सर। और दूसरा स्कूली पे सर मैंने 3 मुख्तलिफ जीमेल से अकाउंट बनाया तो वो सारे ही पेंडिंग जा रहे हैं। यही मैं बता रहा हूँ, स्कूली लैंग्वेज की वेबसाइट है ही नहीं, स्कूली सब्जेक्ट की सब्जेक्ट के वेबसाइट लिए है। सर, सब्जेक्ट अरबी के लिए अप्लाई किया था लेकिन नहीं, वो अरबिक इज लैंग्वेज, अरबिक इज नॉट अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, स्कूली इज बेसिकली मैथ्स स्टैटिस्टिक वेबसाइट। तो अगर सर हमने पढ़ाना होगा तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जो वो एक्सेप्ट करेंगे? आप मैथ्स पढ़ा लें, वो नहीं आप कहेंगे आती कि मुझे सर, नहीं वही नहीं आता, है। तो यही तो मैं यही आपको अर्ज कर रहा हूँ ना। अब अब्दुलरहमान चाहता है कि मैं आईटाकी पे जो है ना वो पढ़ाऊँ, क्या बोलते हैं, एसीसीए पढ़ाऊँ, तो कैसे पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा ना, नहीं नहीं पढ़ा सकता। चले जी, जी, सर आप अपना एक्सपीरियंस बता दें स्कूलों में, आप भी तो अरबिक टीचर, आप कैसे बने सर? मतलब मैं स्कूली में आपका मैंने देखा अप्रूव हुआ हुआ है। हाँ, मेरा प्रूव हुआ है। इसकी वजह, इसकी मैं बताता हूँ ना रीजन, मेरी वजह ये है कि मैंने जब बनाई थी, जब 2019 में मैंने बनाया था, उसके 4 साल हो गए, समझ आ रही, मेरी प्रोफाइल पुरानी है। जी सर, अस्सलाम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, यहाँ पे पहले भी किसी साहब ने जिक्र किया कि भी प्रेपले वेबसाइट कभी कभार जो है ना वो एक्सेस नहीं हो रही होती, नहीं ओपन हो रही होती, तो क्लासेस बुक होती हैं, तो उन्होंने बताया कि फिर मैसेज करके लिंक शेयर कर देते हैं स्टूडेंट को। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो मेरी वो क्लास मिस हो गई थी, तो वो जो हम लिंक भेजेंगे गूगल मीट का, वहाँ पे स्टूडेंट को साइन अप करना पड़ेगा या वो डायरेक्ट क्लास में शामिल हो जाता है? किसी का एक्सपीरियंस हो इस हवाले से तो मुझे गाइड कर दें। मैं फ्लिपले पे ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, तो इसलिए अगर अब्दुल रहमान या असगर या और जो साथी फ्लिपले पे एक्टिव साइन है, अप कोई करना उनको अप्लाई पड़ेगा, करे तो साइन बेहतर अप करना होगा। पड़ेगा स्टूडेंट को, साइन अप करना पड़ेगा क्योंकि उसका अगर अकाउंट नहीं है, क्योंकि गूगल मीट जीमेल के साथ लिंक होता है तो उसको साइन अप करना पड़ेगा, फिर ही वो जाके आपकी क्लास अटेंड हो सकता है। क्योंकि आप उसको जो लिंक भेजेंगे या ईमेल करेंगे, अगर आपके पास उसका ईमेल है या मोबाइल नंबर आपने उसका लिया तो उसके थ्रू भेजेंगे, उसको करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। ओके जी, थैंक यू। सर जी तो टीम मेरे घर से निकल गया था मीटिंग का, अभी उस्मान के साथ मैंने आ जाऊं, मैं कोई 20 मिनट के लिए आ जाऊंगा, उसके बाद मीटिंग कर लेते हैं इसी मैंने जी, सर जी, ये जो ग्रुप में आज बातें चल रही थी कि प्रीपले पे कोई डिग्री सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तो इस उन्होंने हवाले से डिग्री कहा था, आपने कुछ सर्टिफिकेट भी ऐड कर, नहीं उन्होंने सर्टिफिकेट कहा था, आपने साथ डिग्री भी ऐड की है, सही है। अच्छा जी, और ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और ये टीचिंग हाँ सर्टिफिकेट, ये दोनों एक चीज है क्या क्या, सर? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और टीचिंग सर्टिफिकेट, एक ही चीज है ना अच्छा आपका जी, सर? तो ये एक्सपीरियंस कौन किस चीज में, क्योंकि और आपकी आपका सर्टिफिकेट तो मेरे ख्याल में कहीं कुश्ती वगैरह में, और आप इसको प्रिपले पे अपलोड करना चाहते हो अरबी पढ़ाने के लिए, तो ये तो जाहिर सी बात है ना। जी? गवर्नमेंट टीचर कोई हो स्कूल में तो वो बस
एक्सपीरियंस है आपकी पोस्ट क्योंकि क्या है? पढ़ा तो पोस्ट क्या लगता है तो, लेकिन पोस्ट क्या है? इस्लामियात की। मैंने पहले भी कहा था, विद द ड्यू रिस्पेक्ट, मैं खुद मैंने मास्टर किया है इस्लामियात में, लेकिन इस्लामियात नामी सब्जेक्ट दुनिया में बहुत कम है, ठीक है? बहुत रेयर है। ये पाकिस्तान में है कि हमारे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सलम का नाम क्या है, तो ये दुनिया में नहीं होता। दुनिया में फिका पढ़ाई जाती है, दुनिया में हदीस पढ़ाया जाता है, दुनिया में जो है ना तफसीर पढ़ाया जाता है, दुनिया में इस्लामियात नहीं पढ़ाया जाता। सही। जी चले जी, थैंक यू वेरी मच। जिंदगी रही तो आप लोगों से इस तरह मुलाकातें होती रहेगी, और साथ साथ आप ग्रुप में इन्फॉर्म किया कर ले महीने के आखिर में कि आपने कित इसमें हम किसी को नजर लगाते ही नहीं। अब जरदारी साहब, हम वो नजर रखते नहीं जो लग जाए किसी को, तो आप अल्लाह पे यकीन करके शेयर किया कर ले। इससे फायदा हमारा कोई से गरज नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी बंदे ने, ये जो अब साथी कह रहा था, तो मुझे एक दिन कह रहा था कि मैंने पिछले महीने $1,000 कमाए। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा कर ले। तो इसमें वो नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा फायदा ये होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि नहीं इसमें तो है ही नहीं, तो आपकी बात सुनकर किसी को थोड़ा सा हौसला मिल जाता है और वो $5-10 कमा लेता है, तो अल्लाह यानी ये आप सदका समझ ले, इससे हो जाता है आपका। तो आप शेयर किया कर ले, तो अब इससे आपको पता है कि इससे कोई प्रॉफिट तो नहीं मिलने वाला किसी को, हम में से किसी को, लेकिन ये थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है, तो चले समथिंग इज बेटर। और मैं खुद भी बल्कि शेयर करता रहता हूँ अपना, मैं तो बहुत कम करता रहता हूँ, 30-35 घंटे पर महीने ही पढ़ाता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है, ठीक है? और थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखिएगा। मैं खुद भी जब भी मौका मिलता है तो करता रहता हूँ, और आप लोगों से इंशाल्लाह कहीं पे भी इशू हो, अब ग्रुप में ना हो, मुझे बिल्कुल कॉल किया कर ले, मुझे मैसेज किया कर ले पर्सनली, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? थैंक थैंक यू सो मच सर। थैंक यू यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।